हमीरपुर जनपद के राटनगर में सरकारी खाद वितरण केंद्रों पर डीएपी खाद के लिए मारामारी मची, किसान परेशान है। ताज़ा तस्वीरें आप हमीरपुर के राटनगर की देख सकते हैं, जहां क्रय विक्रय क्षेत्रीय सहकारी बैंक में किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में डीएपी खाद की किल्लत के चलते किसान परेशान है। वहीं सरकारी संस्थानों से खाद गायब होने से दिक्कत हो गई। वहीं निजी खाद विक्रेताओं द्वारा महंगी दर पर खाद की बिक्री की जा रही है। विकासखंड क्षेत्र में आधा दर्जन साधन सहकारी समितियों के द्वारा खाद की बिक्री की जाती है। वहीं पीसीएफ कृषक सेवा केंद्र व सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा भी खाद की बिक्री की जाती है, लेकिन एक सप्ताह से इन समितियों में खाद न होने के कारण किसान परेशान है तथा बाजार में महंगी दर पर खाद विक्रेताओं द्वारा की जा रही बिक्री, इससे किसानों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ किस लिए लाइन में लगे हैं? खाद के लिए। कितनी खाद मिल रही है? दो बोरी। एक बोरी। कब से लगे हैं लाइन में आप? 6 बजे से। 6 बजे से। एक कल नहीं खाया। एक आधार कार्ड पे कितनी बोरी आपको? दो बोरी। दो दे रहे हैं, अभी चाहिए 3-4। सुबह 5 कह रहे थे। किस गांव से? क्या समस्या है आपकी? खाद की समस्या है। 1200 रुपये की बोरी आ रही, 1210 की जी बेच रहे, और जिनके पास आधार कार्ड है इनके पास जमीन भी नहीं है, उन्हें 3 बोरी है। जिनके पास 10 बीघा जमीन है उन्हें 3 बोरी है। जिनके पास 20 बीघा जमीन है उन्हें भी 3 बोरी है। और एक दो ट्रक खाद आई थी, जिनमें भी एक ट्रक बांट रही है, एक ट्रक खत्म हो रही है।